हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो कल के वीडियो पे बेस्ट है। पहला बात बता दें कि कल का वीडियो क्या था। तो कल मैंने जो वीडियो अपलोड किया था वो शांति निकेतन के फॉर्म जो है आउट हो गए हैं उसके बारे में था कि शांति निकेतन का फॉर्म निकल चुका है। जो लोग इंटरेस्टेड है फॉर्म भरने के लिए भर सकते हैं, और नहीं पता है तो मैं आज फिर से बता दूँ कि शांति निकेतन का फॉर्म आउट हो चुका है। और क्या प्रोसेस है ये जानने हैं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगी, आप एक बार देख लीजिएगा। लेकिन वो वीडियो अपलोड करने के बाद सबकी क्वायरीज आने लगी कि मैम प्रोसेस क्या है एग्ज़ाम होने के। ठीक है, फॉर्म निकल गया, एग्ज़ाम कैसे होंगे, किस तरीके से होंगे, ऑनलाइन मोड होगा, ऑफलाइन मोड होगा, क्या क्या पूछे जाते हैं। तो आज पूरा वीडियो उसी पर बेस्ड है कि शांति निकेतन का एग्ज़ाम होने का प्रोसेस क्या है। तो स्टार्ट से लेके एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि यहाँ पे बता दूँ शांति निकेतन में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अदर यूनिवर्सिटी से अलग है। तो इसलिए स्टार्ट से लेके बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखिएगा। और बताने से पहले गाइस, प्लीज़ चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है बैक टू बैक मिलते रहे। और जैसे कि यहाँ पे आपको BFA से रिलेटेड सारी जानकारी मिलती है, और यहाँ पे BFA एंट्रेंस एग्ज़ाम की आपको तैयारी भी करवाई जाती है। तो दोनों तरह के वीडियोस प्रोवाइड किए जाते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बात करते हैं कि शांति निकेतन, ठीक है, शांति निकेतन में एग्ज़ाम होने के प्रोसेस क्या है। सबसे पहले है कि शांति निकेतन का बता दूँ मैं, फर्स्ट डे एग्ज़ाम होता है, सेकेंड डे रिज़ल्ट आते हैं, और थर्ड डे इंटरव्यू होता है, उसके बाद फाइनल रिज़ल्ट आता है। ये प्रोसेस है, लेकिन ये होता किस तरीके से है, कैसे क्या करना है, वो मैं थोड़ा डिटेलिंग में आपको बताती हूँ। ठीक है, सबसे पहले जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे शांति निकेतन का, तो 3 दिन का समय लेके ज़रूर जाइएगा। ठीक है, 3 डेज, क्यों? क्योंकि पहला दिन एग्ज़ाम देने होंगे आपको, दूसरा दिन आपका रिज़ल्ट अनाउंस करेंगे, उसके बाद आपका इंटरव्यू करेंगे, उसके बाद आपको फाइनल रिज़ल्ट मिल जाएगा। तो मतलब वहाँ पर एक चीज़ अच्छी है कि एग्ज़ाम हुआ और फाइनल रिज़ल्ट भी साथ साथ ही मिल गया। ये चीज़ है जो कि अदर यूनिवर्सिटी में नहीं होता, एग्ज़ाम हुआ रिज़ल्ट बाद में बताया जाता है, आपके पोर्टल पे आता है, पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। जो एग्ज़ाम होगा वो कहाँ पे होगा? यूजुअली जो एग्ज़ाम होता है वो शांति निकेतन, जो विश्वभारती यूनिवर्सिटी है, उसके कैंपस के अंदर ही होता है एग्ज़ाम, कहीं बाहर नहीं होगा। तो जब आप पहुँचोगे वहाँ पर, उसके बाद आप कैंपस पता कर लेना कैंपस कहाँ है। कैंपस के अंदर जब एग्ज़ाम देने जाओगे तो वहाँ पर सेंटर थोड़ा टाइम लेके पहले जाना, 1 दिन का टाइम लेके जाइएगा ताकि आप पता कर सकें कि वहाँ पे, क्योंकि कैंपस बहुत बड़ा है, पता करने में टाइम लगेगा, तो टाइम लेके जाएं, समय लेके जाएं, 1 दिन का और समय लेके जाएं। ठीक है, 3 दिन तो आपको ऐसे ही बीतेगा, 1 दिन का और समय लेके जाएं, ताकि अगर पता है तो कोई बात नहीं, और नहीं पता है तो 1 दिन का समय लेके जाएं, क्योंकि एग्ज़ाम जो होता है वो जल्दी मॉर्निंग में ही हो जाता है। ठीक है, तो मॉर्निंग में टाइम नहीं मिलेगा कि एकदम आप अर्ली मॉर्निंग गए और पता कर रहे हो, और नॉलेज में है तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं नॉलेज में तो मैं सजेस्ट करूँगी कि फिर 1 दिन और समय लेके जाएं। अब बात करते हैं कि जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे, ठीक है, तो क्या क्या आएगा एग्ज़ाम में। तो एग्ज़ाम में यहाँ पे सबसे अच्छी बात है कि स्टिल लाइफ का एग्ज़ाम नहीं आता। यूजुअली जो प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होता है हर यूनिवर्सिटी में, कंपोजिशन और स्टिल लाइफ दोनों आती है, लेकिन इस यूनिवर्सिटी में सिर्फ कंपोजिशन आएगा, स्टिल लाइफ का एग्ज़ाम होगा ही नहीं, और थ्योरी आएगा। और थ्योरी में क्या है कि हर यूनिवर्सिटी में लगभग MCQ क्वेश्चन रहता है, बेस्ट क्वेश्चन रहता है, 1 वर्ड क्वेश्चन इस टाइप के रहते हैं ऑप्शनल। और यहाँ पे क्या है कि जो थ्योरी के पेपर होते हैं वो, तो उसमें क्या होगा कि कोई सिंगल टॉपिक दे दी जाएगी, उस सिंगल टॉपिक में आपको 250 वर्ड में व 250 वर्ड्स में लिखने हैं उस टॉपिक के बारे में, बस यही रहता है और कुछ नहीं रहता। तो थ्योरी भी है जो काफ़ी ईजी होती है। टाइमिंग क्या होगी एग्ज़ाम जो देने जा रहे हैं उसकी टाइमिंग क्या होगी? सबसे पहले जब आप जाओगे एग्ज़ाम देने सेंटर पर, ठीक है, बहुत बड़ा ऑडिटोरियम होगा वहाँ पे, और आपको ज़मीन पे बैठाया जाएगा, कोई बेंचेस नहीं होंगे, ज़मीन पे दरी बिछी रहती है, ज़मीन पे बैठाया जाता है, और ऐसा कोई ये नहीं है कि एकदम रोल नंबर वाइज बैठाया जाता है। आराम से जाओ, जहाँ पे स्पेस दिख रहा है आपको हॉल में, वहाँ पे आप जाके बैठ सकते हैं। हाँ, टीचर्स बहुत सारे हैं अंदर गार्डिंग करने के लिए, ठीक है, और वहाँ पर रो पर बैठा जाता है कि पहला रो चल रहा है, दूसरा रो, तीसरा रो, तो एक डिस्टेंस में आपको बस ज़मीन पर बैठना है, अपना काम करना है। तो ये हो गया। और जब आप बैठोगे एग्ज़ाम देने के लिए, ठीक है, तो पहले तो आपको प्रैक्टिकल होगा, प्रैक्टिकल में कंपोजिशन होगा, कंपोजिशन 1.5 घंटे का रहेगा। ठीक है, कंपोजिशन, अब बात करते हैं कि कंपोजिशन में टॉपिक क्या दी जाती है, किस तरीके का कंपोजिशन आएगा शांति निकेतन में, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो यूजुअली देखा जाता है अदर यूनिवर्सिटी में कि कोई टॉपिक देते हैं आप लोगों को, लाइक रेनी सीज़न, फिर से मार्केट सीन, फेस्टिवल, ठीक है,
करंट जो कोविड को चल रहा है वो, तो इस टाइप का कोई सिंगल टॉपिक देते हैं जिसमें बोलते हैं बनाओ, बट अभी तक शांति निकेतन में ऐसा नहीं सुना है कि कोई टॉपिक देते हैं। जैसा कि मैं बता दूँ, दो ईयर का मुझे पता है, दो अलग अलग साल का, कि किस तरीके का टॉपिक आया था, तो आपको आइडिया मिल जाए कि आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करना है। तो एक ईयर का है कि ऐसा आया था, 7 अलग अलग डिजिट बता दिए गए थे, फॉर्म था, ठीक है, सबको दिया गया था वो क्वेश्चन सीट, कि उसमें 7 अलग अलग डिजिट वर्ड्स लिखे गए थे, उस 7 अलग अलग वर्ड्स में 5 वर्ड्स को लेना है, कलेक्ट करना है और उससे कंपोजिशन रेडी करना है। 7 में क्या क्या था, एक रेनी था, बारिश था, दूसरा आपका छाता था, तीसरा पेट एनिमल, एक ह्यूमन फिगर, 5वां में था एक बैलगाड़ी, ठीक है, और पुल था, और एक चीज़ मुझे नहीं ध्यान आ रहा है। तो ऐसे 7 चीज़ें थी जिसमें से आपको कोई भी 5 ऑब्जेक्ट लेने हैं और उससे कंपोजिशन क्रिएट करना है। तो इसमें क्या है कि कुछ भी दे सकते हैं चीज़ें, अगर इस तरह से दे तो कुछ भी, वो कोई भी अलग अलग टॉपिक दे सकते हैं। तो इसमें क्या है कि आपका जो है कंपोजिशन जो क्रिएट करने का जो स्किल है वो डेवलप होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, और आपका स्केचिंग अच्छा होना चाहिए, ताकि वहाँ पे कोई भी टॉपिक दे तो आप उस हिसाब से आप उसको क्रिएट करके स्केच कर सको। तो हाँ, थोड़ा आप कंपोजिशन में और अच्छा, आपका कंपोजिशन आपका बहुत बेहतरीन होना चाहिए, ताकि आप बिना देखे वहाँ पे काम कर सके। और जो सेकेंड बार टॉपिक आया था वो थोड़ा सिंपल था, इससे सिंपल इसलिए था कि ये था कि लाइक आप कहीं घूमने जा रहे हैं, रास्ते में आपको क्या दिखा, तो रास्ते में मार्केट सिंह भी दिख सकता है आपको, वो भी बना सकते हैं आप, या फिर कहीं घूमने जा रहे हैं कुछ मेला दिख सकता है वो भी बना सकते हैं आप, तो आप कुछ भी उस टाइप से बना सकते हैं। तो इस तरीके था कि आप कहीं घूमने जा रहे हैं आपको क्या दिखा, और थ्योरी भी आया था क्या कि इसी के बारे में लिखिए, जो आप पेंटिंग बना रहे हैं उसी के बारे में लिखिए, तो उसके बारे में लिखने में कितना ही समय लगेगा। अब बात करते हैं कि यहाँ पे एक बेनिफिट है अगर आपके लिए, जैसा कि 1.5 घंटे का पेपर होता है, पहले ऐसा नहीं होता था लेकिन मेरे टाइम पे ऐसा हुआ है, वो बात ये है कि प्रैक्टिकल जब आप एग्ज़ाम दे दोगे, 1.5 घंटे का प्रैक्टिकल होता है, पहले क्या होता था, पहले मैं आपको ये बताती हूँ, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम दिया 1.5 घंटे का, उसके बाद पेपर सबमिट हो गया, उसके बाद 1 घंटे का थ्योरी पेपर हुआ, ठीक है, फिर आपको थ्योरी पेपर प्रोवाइड करवाई गई, टॉपिक दिया गया, फिर थ्योरी हुआ। अब मेरे टाइम पे क्या होता, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम दिया मैंने 1.5 घंटे का, कॉपी उन्होंने सबमिट करा नहीं, और साथ ही 1.5 घंटे के बाद थ्योरी पेपर दे दिया और लिखा कि जो आपने क्या कहता है जो आपका टॉपिक है उसी के बारे में, जो आपने ड्राइंग बनाया उसी के बारे में लिखिए, तो वो 20 मिनट्स में मैंने लिख लिया था फटाफट, ज़्यादा टाइम लगा नहीं था। तो अब बच गए मेरे 60 मिनट में, मैंने 20 मिनट में लिख दिया तो मेरे 40 मिनट बच गए, और वो 40 मिनट क्योंकि मेरे पास तो जो कंपोजिशन की जो कंपोजिशन में जो कर रही थी वो तो मेरे पास ही थी, मैं 40 मिनट और ज़्यादा कंपोजिशन में इन्वेस्ट किया मैंने, ताकि और अच्छा बन सके। मतलब ये समझ लीजिए कि आपके पास 2.5 घंटे हैं, ठीक है, जिसमें आपको कंपोजिशन करनी है और थ्योरी करनी है, और थ्योरी में तो ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, क्योंकि और थ्योरी में क्या आता है, सिंगल टॉपिक, जैसा कि मैंने कहा उस टॉपिक में लाइक किस तरह के टॉपिक्स आएंगे। अगर मान लीजिए कि ये नहीं दिया गया कि आप अपने ड्राइंग के बारे में लिखो, कुछ और टॉपिक दिया गया, लाइक नंदलाल बासु जो आर्टिस्ट है उसके बारे में लिखिए, राम किंकर बेच के बारे में लिखिए, रविंद्रनाथ टैगोर जिन्होंने शांति निकेतन की जो उद्घाटन की नींव रखी उसके बारे में लिखिए, ठीक है, अवनींद्रनाथ ठाकुर के बारे में लिखिए, तो इस तरह के कुछ दे सकते हैं, या फिर कोई पेंटिंग के बारे में दे सकते हैं, लाइक माइकल एंजेलो की कोई पेंटिंग के बारे में दे सकते हैं, या फिर मोनालिसा जो इतनी फेमस रही है पेंटिंग उसके बारे में दे सकते हैं, तो कोई पेंटिंग के बारे में लिखने दे सकते हैं, या फिर कोई और भी अलग चीज़ जो सिंगल कोई भी टॉपिक कोई शैली के बारे में दे सकते हैं। तो वो बस आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए, और ज़्यादा कुछ नहीं है। अब तो ये हो गया कि पहला दिन आपने एग्ज़ाम दिया, फिर उसके बाद बोल दिया जाएगा कि आपका जो रिज़ल्ट है कल इस जगह पे इस टाइम पे अनाउंस किया जाएगा, तो आप लोग पहुंच जाइएगा। ये सारी चीज़ें जो हो रही है वो कैंपस के अंदर ही हो रही है, ऑडिटोरियम भी कैंपस के अंदर है, जो रिज़ल्ट अनाउंस होगा वो भी कैंपस के अंदर ही होगा। तो जब आप एग्ज़ाम दे दोगे वहीं पर बता दिया जाएगा कि कल के डेट में, यूजुअली शाम में होता है, कल के डेट में शाम में अनाउंस किया जाएगा कि कौन कौन लोग इंटरव्यू के लिए सिलेक्टेड हैं। तो बस उस दिन एग्ज़ाम दिया, फिर जब कल का दिन आया तो आप जब वहाँ जाओगे तो माइक पे अनाउंस करते हैं जो जो लोग इंटरव्यू के लिए सिलेक्टेड होते हैं, उन लोगों का नाम और रोल नंबर लिया जाता है, ठीक है, सिंपली। तो रोल नंबर अगर आपका लिया गया है तो आप सिलेक्टेड हो इंटरव्यू के लिए, फिर उसके नेक्स्ट डे इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू का भी बता देंगे कि किस जगह पे कहाँ पे इंटरव्यू आप लोगों का लिया जाएगा। तो फिर जब 3rd डे होगा तो 3rd डे जाना है आपको इंटरव्यू के लिए, और इंटरव्यू जब आप क्रैक कर लेते हो
तो उसके बाद समझिए, उसके बाद जब इंटरव्यू भी क्रैक कर लोगे तो वो भी रिजल्ट बता देते हैं कि किन लोगों ने इंटरव्यू क्रैक कर लिया है। जब आप इंटरव्यू क्रैक कर लोगे समझिए, फिर आपका एडमिशन हो गया, और एडमिशन होने के बाद जो भी पेमेंट करनी है, जो भी पेमेंट करनी है कि हाँ आगे प्रोसेस जो भी, वो आपके पोर्टल पे अपडेट कर दिया जाएगा, आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ये सब सारी चीज़ें रहती है। लेकिन यहाँ बात आती है सबसे बड़ी वाली कि इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है, क्योंकि शांति निकेतन का इंटरव्यू बहुत, क्योंकि मैंने पर्सनली खुद दिया है और सच बताओ तो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं दिया था, क्योंकि मुझे इंटरव्यू का कोई भी आइडिया नहीं था, बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। तो मैं वेल प्रिपेयर होके नहीं गई थी उस तरीके से जिस तरीके से मुझे जाना चाहिए था। तो ऐसा ना हो कि मैं आप लोग को बता दूँ, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दूँ कि आप लोग किस तरीके से इंटरव्यू देने जाइएगा। और ये बता दूँ कि इंटरव्यू वहाँ का बहुत मैटर करता है, क्योंकि इंटरव्यू में जो है एक अच्छे से पोर्टफोलियो मांगा जाता है, ठीक है, और वो पोर्टफोलियो किस तरीके से बनाया जाए, क्या किस तरीके से ड्राइंग लिया जाए, क्या चीज़ होनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए, बहुत मैटर करता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊँगी कि इंटरव्यू में कैसे पोर्टफोलियो बना के लेके जाने हैं आपको, क्या क्या चीज़ें पूछी जाएगी, किस तरीके से प्रिपरेशन करके आपको वहाँ पे रेडी होके जाने, जो कि मेरे टाइम पे मुझे तो नहीं पता था, लेकिन मैं अगर आप लोगों को बता दूंगी तो एक बार आपको आइडिया हो जाएगा, तो आप लोगों को फिर कोई झिझक नहीं रहेगी। तो नेक्स्ट वीडियो का वेट करें कि इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा, क्या पोर्टफोलियो लेके जाया जाएगा। आज की वीडियो में इतने ही, बस यही है कि हाँ 3 से 4 दिन का समय लेके ज़रूर जाइएगा शांति निकेतन। स्टिल लाइफ अगर शांति निकेतन के लिए कर रहे तो स्टिल लाइफ की प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। थ्योरी में कोई सिंगल टॉपिक और कंपोजिशन का बता दिया है मैंने, कुछ भी दे सकते हैं, तो ये प्रोसेस है। और उसके बाद भी कोई क्वेरी है आपको शांति निकेतन को लेके कि और क्या कुछ पूछा जाता है और क्या चीज़ें रहती है, तो फिर आप कमेंट सेक्शन में भेजिएगा। ऐसा लगेगा कि उस पर वीडियो बनाना चाहिए, तो फिर मैं वीडियो बना के आपको प्रोवाइड ज़रूर करवाऊँगी। तो आज के वीडियो में इतना ही, आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और एज ऑलवेज प्लीज़ गाइज चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, तक क्योंकि आपको यहाँ पे सिर्फ BFA से रिलेटेड जानकारी ही नहीं, यहाँ पे BFA एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी भी करवाई जाती है, जैसे कि मेरे ऑनलाइन फ्री क्लासेस चलते हैं थ्योरी पे, फिर स्टिल लाइफ पे, कंपोजिशन पे, तो यहाँ पे आपको वो भी प्रोवाइड किया जाता है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप मुझे इंस्टाग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम की जो ID है, मेरे वीडियो के हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड है, ठीक है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं। वैसे यहाँ पे आपको जो है लिंक, इंस्टाग्राम की लिंक स्क्रीन पे भी आपको शो कर रही होगी, तो आप वहाँ पे भी देख सकते हैं, Macy_paper के नाम से है। और आप चाहो तो मुझसे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हो, जिसकी ID मेरे डिस्क्रिप्शन में ऐड है। तो चलिए गाइस, मिलती हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड नमस्ते।